हम आपको महाराष्ट्र विधानसभा का कुछ गणित भी दिखा देते हैं और शायद उसके जरिए आप तस्वीर साफ हो पाएगी आपके सामने कि किसके पास क्या स्थिति है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीट है, एक सीट खाली है, इसलिए महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 144 है। हम आपको बगावत के बाद का सीन भी समझाएंगे, लेकिन पहले विधानसभा में पार्टियों का गणित बता देते हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना के 56 विधायक हैं, एनसीपी के पास 53 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं, यानी महाविकास आघाड़ी के पास फिलहाल कागज पर 153 विधायक हैं। ध्यान रखिएगा, कागज पर। अब महाराष्ट्र में बात मुख्य विपक्षी गठबंधन यानी एनडीए की कर लेते हैं। यहां बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएसपी के पास एक विधायक है, एनडीए में शामिल जेएसएस के पास एक विधायक है, एनडीए को 5 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है, यानी कागज पर एनडीए के पास कुल 113 विधायक हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के 2 और निर्दलीय और अन्य मिलाकर के 19 और विधायक हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ आते हैं तब के समीकरण भी आपको बता देते हैं कि वो समीकरण क्या बनते दिखाई देंगे। तो आपको एक बार फिर वो गणित बताते हैं कि इस वक्त जो तस्वीर बनती दिखाई दे रही है एकनाथ शिंदे के, मैं चाहूंगा उन ग्राफिक्स को एक बार हम लोग सामने रखें और उन तस्वीर को बताने की कोशिश करें कि इस वक्त क्या स्थिति है महाराष्ट्र में, आगे क्या होगा ये अगले चंद घंटे में साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में फिलहाल जो जमीनी हकीकत है और एकनाथ शिंदे का पक्ष जो रुख है उसे देखते हुए आगे क्या हो सकता है उसकी एक संभावित तस्वीर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे लगातार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में अगर उधर सरकार गिरती है तो बीजेपी के 106 एकनाथ शिंदे के समर्थन वाले, जो कि उनका दावा है 47, और अन्य 7 विधायक एक साथ आ सकते हैं। ऐसे में इस गठबंधन के पास 160 विधायकों का समर्थन होगा। यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े 144 से 16 ज्यादा है, यानी यह नई सरकार बनाने वाला आंकड़ा है और शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे पिछले एक घंटे से पवार के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन दीपेश मेरे सहयोगी इस वक्त वहां मौजूद हैं। दीपेश, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त पवार भी हैं, कांग्रेस भी है, हालांकि कांग्रेस सुबह अपनी जो भी कहना था कह करके अब चुपचाप बैठ चुकी है, लेकिन क्या पवार इस पूरे मामले को इतने आसानी से जाने देंगे या आपको लग रहा है कि अभी भी वो कुछ उलटफेर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, शरद पवार की अगर इतिहास को देखा जाए तो इतनी आसानी से हार मानने वालों के नेताओं में वो नहीं आते और वो आखिरी दम तक कोशिश करने वाले नेता हैं और यही कोशिश फिलहाल जो है वो अंदर भी चल रही होगी कि इस महाविकास आघाड़ी सरकार को कैसे बचाया जाए। शरद पवार को जहाँ 3 चुनौतियों का सामना करना है, एक तो पार्टी में जो डिफरेंसेस पैदा हुए हैं उसे बचाना है, उसे रोकना है, साथ ही इस सरकार को भी बचाना है और जो तीनों पार्टियों हैं जैसे कांग्रेस पार्टी का भी शरद पवार, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि उनसे भी बात चल रही है और कांग्रेस पार्टी में जो डिफरेंसेस की खबर आ रही है उसको भी वो दूर करने में लगे हुए हैं। तो इस समय शरद पवार तीनों पार्टियों में एक अहम किरदार निभा रहे हैं और साथ ही उद्धव ठाकरे के सामने अब क्या ऑप्शंस हैं इस पर चर्चा की जा रही है। शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल सारे नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं। आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष हितेन ठाकुर मौजूद हैं, जो कि महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उसमें वो मौजूद हैं। हितेन जी, क्या लग रहा है? नमस्ते, काई के बारे में आप कहिए, क्या लग रहा है आपको, सरकार बच पाएगी? अभी ये जो आज चल रहा है सब शिवसेना का इंटरनल पॉलिटिक्स, उसमें से आपने जैसे कहा कि 153 महाविकास आघाड़ी के खुद के कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिला के होते हैं और आज अगर जो 37 एमएलए चाहिए 2/3 स्प्लिट के लिए अलग होना है अगर पार्टी में से तो 2/3 जो चाहिए और मतलब मिनिमम 37। आप देखते हैं कि 113 का आंकड़ा बीजेपी का सब लोग बता रहे हैं और उसमें अगर 37 मिलते तो 150 हो जाते, मतलब दोनों सूरतों में अगर उधर 153 है तो उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। ये कोई एमएलसी या राज्यसभा का इलेक्शन नहीं कि वोट देखा जाता है, इधर 144 एक एमएलए का देहांत हुआ है, इसलिए 144 जिसके पास एमएलए है वो राज्य स्थापित कर सकता है।
तो ऐसे में अभी की सूरत ये जानना चाह रहे हैं कि आप किसके साथ खड़े होंगे। नहीं नहीं, हमको अहमियत ही नहीं ना, कल तक मैं बहुत डिमांड में था, परसों मतलब हम जैसे छोटे पक्ष, हमारे जो छोटे पार्टी थी 29 MLA जो हम थे, है थे नहीं है, तो 29 MLA राज्यसभा और विधान परिषद के हिसाब से डिमांड में थे कि एक एक वोट काउंट होते थे। आज इनकी दिक्कत ऐसी है कि आज मैं बोल रहा हूँ ना, पिछले दो दिन से कोई भी छोटी पार्टी या अपक्ष इनसे किसी भी पार्टी ने कांटेक्ट किया नहीं है, क्योंकि आज उनका पूरा फोकस जो है वो शिवसेना एक रहेगी या स्प्लिट होगी। वो स्प्लिट होने के बाद ही इनका कैलकुलेशन, आज हम कुछ भी बात करें